कहाँ से खरीद के बढ़िया निकल ला, मेरा राशन चलेगा, हमारा हर चीज चले गई, मैंने तो कपड़े लिया चलेगा करते, मेरे छोटे छोटे बच्चे कमाते थे, हर चीज चले गई हमारी, तो एक दावर लिया दो 3 लाख का नुकसान हो गया, सामान फ्रीज पूरा सामान चले गया, दुकान का घर का सामान पूरा बह के चले गया, खाने पीने का भी कुछ भी नहीं, हम लोग का भी इज्जत, खाने पीने का भी सामान चले गया, खाने पे ना बाबू की मदद करी, खाना वही ला के मेरी ऐसे चले, हम लोग इतने करे कोई भी एफ पी साहब मदद करे ना, पहले ना कोई आके देख रहे नहीं आके कोई पूछा नहीं हाल, कोई वो करने वाला पुरसा नहीं हाल बोलने वाला नहीं है, देखो यहाँ घर का हाल देखिए आप, अंदर पूरे घर के सामान पूरे बाहर है, चूल्हे के सामान पूरे फेंक गए, सिलेंडर वो ये सब फेंक गए, देखिए आप लोग कोई आके देखने वाला नहीं, हर हाउ दे देते हो कर देते कि क्या खाना क्या करना, ग्राउंड फ्लोर पूरा डूबेगा, अब पूरा फर्नीचर वगैरह सभी चले जाए, खाली कपड़े धोके बेच सकते हैं, बका सब तो चले जाए, इनसे तो कुछ भी नहीं है, आज तो उन्हों रोड साफ करेंगे, और घर में तो लेबर वगैरह जो भी नुकसान है हमारा है। कुछ भी नहीं, कपड़े एक जोड़े से चेक हो रहे हैं। पंद्रह से 20 लाख रुपए पूरा खत्म होगा, पूरा डैमेज होगा, पूरा सामान फ्रीज में पानी चलेगा, पूरा सामान पूरा खराब हो गया, उसके लिए मेरा पहले तो घर डूब गया होगा, बारकस में पूरा घर डूब गया मेरा, 5 दिन से पूरा डूबे हुआ, पूरा सामान पूरा खत्म होगा पूरा, अब यहाँ पर आकर परसों में आ तो पूरा पानी पूरी दुकान डूब, अब क्या करेंगे जरिया नहीं है, वालदा हमारे कैंसर पेशेंट, वालदा को लेके गया 3 बजे रात में पानी घुस गया पूरा बारकस में, 5 दिन पहले की बात है, मंगल के दिन रात में घुस गया पानी परसों, कौन के रहनु ऐसा रहे तो कैसा होगा बोलो, हमारे कि कौन के रहनु ऐसे लोग रहे थे क्या बताइए, समझ रहे इस तरीके से तो पूरा नुकसान क्या करना बताइए, कुछ जरिया है पूरा 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 लाके पूरा यहाँ पर पैसे डाल दिए मेडिकल में, 15 से 20 लाख रुपया पूरा नुकसान पूरा खत्म हुआ था, दुकान कैसे पड़े हैं, अभी से ज्यादा सामान तो फेंक दिया यहाँ पर, अब तय हुआ सामान इस तरीके से कौन ही नहीं है, कौन का रहनु क्या बताना है, पूरा सामान चलेगा, रात चलेगा, नुकसान हुआ हुआ।
हमारी मदद करो, हमारा बहुत नुकसान होगा। पानी सामान गया हम लोग का, खाने पीने को दे रहे बेचारे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। हर चीज गई हमारी, एक सामान बचा हमारा तो, पूरे अलमारियां गए, हर चीज गई हमारी। पूरा नया सामान वो देखो जाकर, पूरा जंगल सामान पूरा गया।
हेलो एवरीवन, तो देखा आपने बाबा नगर की हालत काफ़ी नाजुक है। दो दिन की बारिश के बाद बहुत से एरियाज में 14 अक्टूबर से अब तक 6 दिन हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहां के लोग के घरों में पानी और गंदगी आ चुकी है। बहुत मुश्किल से उन्हें कुछ एनजीओस खाना और ज़रूरत का सामान पहुँचा रहे हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स एंड एनजीओस को हम जितना भी सैल्यूट करेंगे तो कम है। जिस तरह बाबा नगर की इस वक्त हालात है, वैसे जगह पर एक आम इंसान तो नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है कि जीएचएमसी के लोग कुछ जगह पर पिछले 6 दिन से नहीं आए। यहाँ के लोगों का सारा सामान बह गया, इनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी, जिससे इनको यहाँ से रिकवर करना आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बालापुर लेक का काम 2 महीने से डिले हो रहा है और काम को लेकर जीएचएमसी, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लीडर्स ने कोई तेजी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से बाबा नगर कट्टा टूट गया। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। पिछले 2 दिन में जीएचएमसी ने एक और तमाशा खड़ा किया है। जो भी घर बहुत पुराने हैं और जिसकी भी नाजुक हालात है, वहां पर बिना किसी नोटिस के ऐसे वक्त में घर तोड़ने बुलडोजर लेकर पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि मौके का फायदा उठा रहे हैं। हां, अगर घर नाजुक है तो आप उन घर के लोगों को पहले एक रहने का इंतजाम कीजिए और उनकी जमीन का कुछ कॉम्पनसेशन दीजिए। बिना किसी गारंटी के किसी का भी घर, चाहे वो लीगल हो या ना हो, उन्हें ऐसी हालात में तोड़ने का हक नहीं है। कोविड के चलते वैसे ही लोग काफी परेशान हैं 8 महीने से, और अब ये फ्लड्स की वजह से पता नहीं कि लोग इससे बाहर कैसे निकलेंगे। लोगों के पास रहने को घर नहीं है। कुछ लोग अपने रिश्तेदार दोस्त के यहाँ गए तो कुछ लोग अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि और बारिश ना हो, जिसे यहाँ के लोग बर्दाश्त ना कर सके। अगर आप किसी भी तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।